लायन अंडर मिरर, ये नया मिरर फेंडर के ऊपर का, क्वालिटी बहुत बढ़िया है ये कंपनी की। फेंडर के ऊपर लगाया जाता है मिरर, बढ़िया क्वालिटी का मिरर है, फेंडर के ऊपर लगता है ये। तो आज देखेंगे हम मिरर कैसे फिटिंग करना। ये हम लगाने वाले सफारी स्टॉर्म गाड़ी को, इसके पैकिंग है, रबर पैकिंग आती है, इसे ऐसा लगाना होता है। दो स्क्रू में टाइट होता है ये, देखेंगे आगे। सबसे पहले जो है तो हमें इसकी पोजीशन सही तरीके से लेना होती है। कहाँ अच्छा देखेगा मिरर, मिरर कहाँ नहीं। सबसे पहले जो है तो अच्छी तरीके से इसकी पोजीशन ले लेनी है। इसी तरीके से खुल भी जाता है ये क्रॉस, इसमें दो स्क्रू बैठते हैं। पोजीशन ले ली है, मैं बराबर बना रहा दूंगा अच्छा बैठो यार। यहाँ पर एक स्क्रू बैठता है और उस साइड से एक स्क्रू बैठता है, एकदम फिक्सो फिक्स बैठना उसने, थोड़ा भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए नहीं तो वरना बेशो हो जाएगा। ये दो स्क्रू लगाने होते हैं, इसे फेंडर के अंदर आसानी से चले जाते हैं, कोच स्क्रू कहते हैं इसे। अंदर इस पोजीशन सही ले लिया हमने, एक स्क्रू मार भी दिया है, ये दूसरा स्क्रू लगाना चालू है हमारा। ऐसे स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा रखकर हथौड़ी से थोड़ा ठोक लेना है और टाइट कर देना है। फुल टाइट कर देना है उसे, ज़रा भी हिले नहीं। दोनों स्क्रू को अच्छा कस लेना है। ये दोनों स्क्रू जो है तो हमने टाइट कर दिए है, देख सकते हो आप। उसी तरीके से इसे घुमा लेना है आराम से, एकदम ऐसा घूम जाता है ये मिरर। अभी एकदम गाड़ी को जो है तो लुक आ गया है, बहुत ही बढ़िया दिख रही है। अभी इसे अच्छी तरीके से सेट कर लेना है, सेट कर लेंगे अपने से अच्छी तरीके से। ये मिरर के ऊपर ये अंडर मिरर दूसरे और लाए हुए हमने दो, ये जो है तो अपने साइड मिरर के ऊपर बैठते हैं। ये लेफ्ट साइड में ये दिख रहा नहीं है, उजाला आ रहा है वहाँ पर। ये छोटा सा मिरर आता है, ये देखिए जूम करके इतना ख़ास नहीं दिख रहा है ये। यहाँ से थोड़ा ठीक लग रहा है, कैमरा क्लियरिटी नहीं है थोड़ी हमारे पास। इसमें ये फ़ायदा है कि इसमें सामने का भी दिखता है, बम्पर के पास का और टायर के पास का भी दिखता है अंदर बैठे बैठे। ये लेफ्ट साइड का जो है तो छोटा मिरर लगाया हुआ हुआ है हमने, ये भी दूर का एकदम नज़दीक का दिखता है उसमें। ये देखिए एकदम क्लियर जो है तो नीचे का टायर दिख रहा है उसमें, और इस साइड से सामने का बम्पर नंबर प्लेट तक के दिखता है।